जी हाँ, अभी की शाम की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दोपहर 2 बजे आपको वीडियो में यह जानकारी बताया था कि हमारे बिहार में आपके तेजस्वी यादव आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों अभी जो आपकी शाम की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इसमें आपका पूरा का पूरा बाजी पलट गया है। और दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि हमारे बिहार में फिर से आपके नीतीश कुमार वापस लौटने वाले हैं। तो आइए आज बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में आपको पूरी जानकारी शाम की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नानी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वाले चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बिहार इलेक्शन रिजल्ट 2020 लाइव अपडेट्स, यानी दोस्तों नतीजों से पहले सज रहा आपके बीजेपी का मंच। शाम को पार्टी दफ्तर में साह ले सकते हैं, बड़ी बैठक पीएम भी रह सकते हैं मौजूद। यहाँ दोस्तों दरअसल बात कुछ ही होना कि हमारे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है इसमें यह मामला साफ हो चुका है कि फिर से हमारे बिहार में नीतीश कुमार वापस आने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हमारे बीजेपी की पार्टी भी इसमें सम्मिलित है, यानी कि दोस्तों बता दें कि हमारे बिहार राज्य में फिर से आपकी एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर इसकी पूरी यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं दोस्तों, बिहार 20 चुनाव के ताजा रुझानों में नीतीश को 130 को तेजस्वी 103 सीटों पर नजर आ रही है। और दोस्तों इसी बीच आपके आरजेडी की पार्टी ने जीत का दावा ठोक दिया है। तो फाइनली बता दें कि हमारे बिहार में आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर बाजी पलट गई है। और दोस्तों ऐसे में हमारे बिहार राज्य में आपके दोपहर तक तेजस्वी यादव आने वाले थे, लेकिन फिर हमारी आज बाजी पलट गई है। और दोस्तों इस बाजी में यह साफ साफ क्लियर हो चुका है कि इस बार भी फिर से हमारे एनडीए की सरकार, यानी कि दोस्तों फिर से आपके बिहार राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर पूरी जानकारी देख सकते हैं, क्या कहते हैं ताजा रुझान, यानी कि दोस्तों आपके एनडीए को 130 सीट मिली है, और वहीं दोस्तों आपके महागठबंधन को 103 सीट, और वहीं दोस्तों आपके एलजीपी को 1 सीट और अदर पार्टी को 10 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो आज शाम का जो यहाँ पर बिहार राज्य के चुनाव का आपके लाइव अपडेट्स की जानकारी आई थी मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखते हैं कि रात तक हमारी किसकी सरकार पूर्ण बहुमत से बन जाती है। फिलहाल दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी स्वाइप है ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके पल पल की नोटिफिकेशन के साथ बने रहिए, क्योंकि जैसे इसकी कोई खबर आ जाएगी तो मैं अपने वाइप है ज्ञान चैनल पर जरूर आपको जाहिर कर दूंगा। और ऐसे में आप बिहार राज्य में किसकी सरकार लाना चाहते हैं इतनी बात हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।